दरबार आप मेरे साथ चल तो रही हो, अगर जो कोई शिकायत तुम्हारी बारे में मिले तो ये जान लो तुम्हारी नक्की दाबूंगी। कुछ ओ, चलो मेरे बाजी को आवाज लगाओ और बाजी को लेकर साथ कुछ ना कहबे तो कहा जान करो बांधे वो बांधी बांधी हो तो आओ छोटा हो तो ना हो बांधी कह के पुकारो बांधी नहीं नौकरानी का करती हो खाली आओ ना आओ आओ तुम का चल दिया हो तुम खाली दारपाल मेरी इस समय बहन कहाँ है? बहन तुम्हारी सहज घर में रूम में बैठी है। ये कब कहाँ ये कौन? ये हमारी बड़ी वाली दीदी है। ये बड़ी है तो कहेल रहे छोटी होती तो होती। ए दारपाल चलो मुझको मेरी बहन पास ले चलो, मुझको किस लिए बुलाया गया है? हमें लगता है ये बाजी खा खा के मोटा गई है, जो जब कभी ये बाजी लगाओ तो टाइम से नहीं आती है, आज बहुत लेट आई है। अरे बाजी बोलो बहन ये बताओ जब कभी महलों में बुलाया जाता है तो क्या नौकरी हराम में लेती हो क्या? नहीं बहन मैं तो नहीं कहती हूँ नौकरी हराम में लेती हूँ। तो फिर बताए मैं चौका कर रही थी कोई बर्तन बनती रहे। अरे बाजी एक काम करो, आपको मैं फुलबाग को भेजती हूँ और फुलबाग को चली जाओ, जो मेरी बात सेनानी बात जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ। उस बात में बर्तनों का कोई काम नहीं, वो जनानी बात है। आप दोनों लोग चली जाओ और बात से थोड़े से फूल ले आओ और मैं तब तक महल में बैठी हूँ। चलो ठीक है बहन मैं जा रहा हूँ। ठीक आप पास से दबाना तब मुझे महल में आवाज लगाना। ठीक है महल में ठीक है। हेलो
भांजियों को फूल लेने के लिए भेजी हूँ, आप मेरी बात से फूल लेकर जब आएंगी तब मैं पिताजी को दूंगी। तुम चले भी दिया, चलो हम सब घर का चेक चलो। ठोकरे खा रहा हूं, लेखा ऐसा बेवफी तुमको नहीं करना चाहिए। चलते चलते मैं सिंगलपुर को जरूर आ गया हूं, लेकिन सामने राजन की बात जो पड़ी हुई सूखी हुई आज, इसको मैं अपने सोटा फेर कर मैं इसको आज हरी भरी के रूप में दूंगा और आज इसी भाग में आज बैठूंगा। बैठते बैठते में जी मेरी जान चली जाए, लेखा जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप सिंगल दीप से नहीं जाऊंगा। अरे बैठे आ जा ये देखिए इस बात की लीला तो पलटी पड़ी है और बात सारी सूखी पड़ी है। कोई बात नहीं है, आज ये अपने गुरु अपरा का सोटा की परीक्षा दूंगा, क्योंकि मेरे गुरु कहा थे कि जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा, तो आज इस पेड़ की परीक्षा लेगा। अरे प्यारे इस सोटा गुरु अरे चोटिया पागा चाहिए हरिया इस सूखी बात सारी हरी हो गई है। कोई बात नहीं है, आज इसी पार में बैठूंगा और बैठते बैठते इंतजार करूंगा। कैसे बगी दल कैसे बगी दल का जल्दी आ जाओ, हम चल रहे चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ ठीक है।
हे बहन, पता नहीं ये कई साल पहले सूखी बाग थी और आज मैं क्या देख रही हूँ, हरी भरी बाग है। चलो अंदर पेल के देखती हूँ। ये बताइए बच्ची, सीताराम सीताराम सखी सीताराम, ये बताइए, मैं तो अपने बहुत फकीर अपन तपस्या कर रहे थे, क्यों तुम मुझको जगा दिया? सुनो बाबा, बताइए तुम इस बाग में क्या कर रहे हो? अरे इस बाग में, इस बाग से गुजर रहा था, कुछ थोड़ा इच्छा चाहिए तो इस पेड़ के नीचे बैठ गया। चलो ठीक है, ये बाग आपके पहले कई साल पहले ये सूखी पड़ी थी, आज तुम इसमें बैठ गए, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, इस बाग को मैं अपने गुरुदेव के बलबूते से तुम्हारी सूखी बाग मैंने हरी कर दिया। सुनो सुनो मेरी बात बाबा, बताइए। जल्दी निकल जाओ यही बगीचे से, कौन सी गलती है जो इस बाग से निकल जाओ? तुम्हें ये नहीं दिखा रहा है, बड़ा बड़ा लिखा है जनानी बाग है, इसमें मर्दानों का क्या काम है? अच्छी बात है, जनानी बाग लेडी की बाग है। अरे मैं पढ़ा लिखा था नहीं, बाग सुखी देखा बाग में घुसा, आपने गुरुदेव की कृपा से बाग को हरी कर दिया, इसीलिए पेड़ के नीचे बैठ गया। सुनो बाबा, क्यों नहीं? तुम नहीं जानते हो मेरे बहन को बहुत मारती है। तो सुन मेरी बात को। बोलो। मैं बाग से तो नहीं जाऊंगा, अगर यही बात है तो जाकर अपने बहनी से बता दे कि ये कोई हटी झुकिया है, बाग से नहीं हटता है। कभी नहीं, दादा हम नौकर हैं। क्या करोगे? क्या करोगे? जब करे फिर तो करोगे। मैं बाग से नहीं जाऊंगा। आप पहल तो बातें बताइए, आज के लिए किसकी बाग है और क्या तेरे बहन का नाम है जिसकी तू हनक दिखा रही है? मेरी बहन को तुम नहीं सुनो। आए मोरी बहन तेरे मालकिन का लेखा नाम है। हाँ हाँ, ये उसी की बाग है। तो जा, जाकर बता दे अपने लेखा से कि कोई महात्मा आया है बाग में और चित कर रहा है, बाग से नहीं निकलेगा। कहीं बाग से नहीं निकलेगा, बता दे अपने बहन से। जा सुनो, मैं कहती हूँ बाबा चले जाओ,
अरे जो पहले से मरा हुआ है उसको क्या मारोगे मेरे में। सुनो बाबा, हाय जाए बताई भाई अपनी पे है बच्ची है तो खींच दोगे कोई बात नहीं है। जाओ जाकर अपने बहन से बता दो और जब तक तेरी बहन से मुलाकात नहीं कर लेता तब तक खींच दोगे। इस बात से सुनो बाबा, तुम्हारी नीच से तो जाओ, मैं जा रही हूँ, अभी मैं अपने बहना को बताती हूँ। अरे जाकर बता दे, मैं इस बात से नहीं जाऊँ। जल्दी हूँ मैं, जल्दी है क्या के पिया के पिया क्या बताओ। मैं बांदी को विभाग को भेजी थी, अभी तक बांदी नहीं आई है। चलो बांदी की इंतजार करती हूँ। हेलो, चले इंतजार करना चाहिए, बांदी आती होगी। मेरे खोपड़ी के बार आज गिर जाएंगे नाच से खेले, मेरे खोपड़ी के बार सारे गिर जाएंगे, जूता खाएंगे जूता खाएंगे, बहुत मजा आए। क्या बात में चीज देख ली जो इतना खुश होकर आई हो। सुनो मेरी बात दाना, आए ये पुजोगी अपने बगिया में, अपने बगिया में आयो, पता नहीं कई सालों से सूखी पड़ी थी, आज देखो हरी भरी हो गई है। क्या बाती, जो मेरी बाग बरसों से सूखी पड़ी थी वो बाग आज हरी भरी हो गई है। भरी के भरी हो गई। यानी कि उस बाग में साधु महात्मा आए हैं और उनके आने से ये बाग हरी भरी हो गई है। बहुत भगवान की ने जने नहीं बाग बहुत बहन भगवान, लेकिन वो हटा नहीं। उस साधु महात्मा से ये नहीं बताया
कि ये जनानी बाग है, मर्दानों का जब मैंने सब बताया था वो हंसने का नाम ही नहीं है। बहुत गुस्सा शायद कि तुमने मेरा नाम नहीं बताया था। नाम वाम सब बताया बहन, लेकिन नहीं है था। चलो यानी कि चल कर गए रहे हैं तो चलो बाजी मुझे भी बाग में ले चलो, मैं देखती हूँ कैसे साधु महात्मा है और कैसी मेरी बाग हो गई है। चलो क्या चलो बाते बजाते चलती हूँ। हाँ चलो भले भुलाइए तो न देवी जनानी बगिया, भुलाइए तो न देवी।